हेलो जेई एस्पिरेंट, जेई मेंस, मार्च अटैम्प की जितने भी शिफ्ट थी वो आज खत्म हो चुकी हैं। हर स्टूडेंट्स के मन में एक सवाल है कि कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहां पर अपन कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं मार्च अटैम्प का। मार्च अटैम्प की अगर बात करें तो जो नंबर है जिन कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया था मार्च अटैम्प, उनका नंबर है 6,19,638। अगर हम फरवरी अटैम की बात करें तो फरवरी अटैम में कैंडिडेट ने जो रजिस्टर्ड किया था उनका नंबर था 6,61,776। इनमें से जिन स्टूडेंट ने पेपर दिया था उनका नंबर था 6,52,627। ये ऑफिशियल डेटा है भाई, इस बात का ध्यान रखेंगे। अपन ये मान के चलते हैं कि मार्च अटैम में जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा उनका नंबर अपन ऐसा मान सकते हैं कि उनका नंबर लगभग होगा 6,10,000 के समथिंग, 6,10,000 के समथिंग अपन इस नंबर को मान सकते हैं एज कंपेयर टू फरवरी अटैम्प। फरवरी अटैम्प से अगर कंपेयर करें तो लगभग इतने कैंडिडेट्स ने मार्च अटैम्प का पेपर दिया था, मतलब इन कैंडिडेट के बेसिस पर आपकी परसेंटाइल निकलने वाली है। अब यहां पर अगर हम हर एक शिफ्ट की डिफिकल्टी लेवल कंपेयर करें कि डिफिकल्ट कौन सा सब्जेक्ट था, फिजिक्स डिफिकल्ट था, केमिस्ट्री डिफिकल्ट था या मैथ्स डिफिकल्ट था, हर एक शिफ्ट को अगर यहां पर कंपेयर करके देखें तो यहां पर अगर 16 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट को अगर कंपेयर करें तो वहां पर हमारी फिजिक्स इजी थी, केमिस्ट्री इजी लेवल थी और मैथ्स मॉडरेट लेवल थी। अब कुछ बच्चों को पहली शिफ्ट क्या लग रही होगी, थोड़ी सी टफ लग रही होगी, क्योंकि उन्होंने जस्ट पहली बार क्या करा, मार्च टाइम दिया। तो हो सकता है कि जब आपने पेपर दिया हो तब आपको ऐसा लगा हो कि यार ये शिफ्ट थोड़ी सी टफ है, क्योंकि आपने पहली बार वो मार्च टाइम में पेपर दिया था भाई। लेकिन अगर ओवरऑल बात करें तो फिजिक्स का लेवल इजी था, केमिस्ट्री का लेवल इजी था और मैथ्स मॉडरेट लेवल आई थी। वहीं अगर 16 मार्च इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो वहां पर फिजिक्स मॉडरेट लेवल की थी, केमिस्ट्री इजी लेवल की और मैथ्स हमारी टफ लेवल की आई थी। 17 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट की बात करें तो हमारी फिजिक्स इजी टू मॉडरेट लेवल थी, केमिस्ट्री हमारी मॉडरेट लेवल थी और मैथ्स हमारी मॉडरेट लेवल आई थी। 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट की बात करें तो हमारी फिजिक्स मॉडरेट लेवल थी, केमिस्ट्री इजी लेवल थी और हमारा जो मैथमेटिक था वो टफ लेवल का आया था। 18 मार्च मॉर्निंग शिफ्ट की अगर बात करें तो फिजिक्स हमारी इजी लेवल थी, केमिस्ट्री हमारी मॉडरेट लेवल और मैथ्स हमारा इजी लेवल का आया था। वहीं अगर 18 मार्च इवनिंग शिफ्ट की अगर बात करें तो हमारा जो फिजिक्स था वो इजी टू मॉडरेट लेवल था, केमिस्ट्री हमारी इजी लेवल की आई थी और फिजिक्स अपन बोल सकते हैं तो मॉडरेट टू टफ लेवल आई थी। अगर इन शिफ्ट में अलग अलग कंपेयर करें तो हमारे पास दो ऐसी शिफ्ट निकलती हैं जिन्हें अपन टफ मान सकते हैं। कौन कौन सी शिफ्ट? एक है हमारे पास 16 मार्च इवनिंग शिफ्ट और दूसरी है हमारे पास 17 मार्च इवनिंग शिफ्ट, जिन्हें अपन टफ शिफ्ट मान सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट शिफ्ट की बात करें तो मॉडरेट शिफ्ट जो हमारे पास आती हैं, एक आती है हमारे पास ये 18 मार्च इवनिंग शिफ्ट, ये हमारे मॉडरेट मान सकते हैं। ठीक है, और ये भी मॉडरेट मान सकते हैं अपन 17 मार्च मॉर्निंग वाली, और ये दोनों शिफ्ट हमारी इजी मान सकते हैं, ये दोनों शिफ्ट हमारी इजी मान सकते हैं। इनका आपको बहुत फायदा मिलने वाला है जब आप मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल कैलकुलेट करने वाले हो। अब जो हमारे पास डेटा है मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का, वो हमने फरवरी अटैम्प से कंपेयर करके निकाला है यार। फरवरी अटैम्प से मार्च अटैम्प को कंपेयर किया, उसके बेसिस पर ये एक अपन ने रेंज निकाली है कि इतने मार्क्स पर आप इतनी परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई। अब यहां पर अगर बात करें आपके अगर मार्क्स 260 से 275 की रेंज में है तो आपकी परसेंटाइल 99.99 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखें कि जो आपकी इजी शिफ्ट है उसमें ये रेंज 10 से 15 मार्क्स बढ़ जाएगी, और जो आपकी टफ शिफ्ट है उसमें ये रेंज 10 टू 15 मार्क्स कम हो जाएगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 260 टू 275 के बीच में है तो आप 99.99 परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां पर आपकी 99.99 परसेंट एक्सपेक्ट हो जाएगी भाई, आ सकती है। अगर आपके मार्क्स
210 से लेकर 235 के बीच में है, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल है वो आएगी 99.7 परसेंटाइल। अगर आपके मार्क्स 190 से 215 की रेंज में है तो आपकी जो परसेंटाइल आएगी वो आएगी 99.5 परसेंटाइल। अगर आपकी मार्क्स की रेंज 175 से लेकर 190 के बीच में है तो आपकी जो परसेंटाइल आने वाली है वो 99 परसेंटाइल के लगभग आने वाली है। अगर आपकी मार्क्स की रेंज 165 से लेकर 175 के बीच में है तो आपकी जो परसेंटाइल आने वाली है वो आने वाली है 98.5 परसेंटाइल। यहां पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं दोबारा से बता देता हूं, अगर आपकी इजी शिफ्ट है तो ये जो मार्क्स है वो 10 टू 15 बढ़ जाएंगे, और अगर आपकी इजी शिफ्ट है, अगर आपकी इजी शिफ्ट है 10 टू 15 बढ़ जाएंगे, और आपकी टफ शिफ्ट है तो 10 टू 15 मार्क्स कम हो जाएंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अगर आपकी मार्क्स 115 से लेकर 165 के बीच में होते हैं तो आपकी जो परसेंटाइल आने वाली है वो 98 परसेंटाइल के लगभग आने वाली है। अगर आपके मार्क्स 145 से लेकर 155 तक होते हैं तो आपकी 97.5 परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स की रेंज 135 से लेकर 145 होती है तो 97 परसेंटाइल। अगर आपके मार्क्स की रेंज 125 से लेकर 135 होती है तो 96 परसेंटाइल। अगर आपकी मार्क्स की रेंज 115 से लेकर 125 के बीच में होती है तो 95 परसेंटाइल। अगर आपके मार्क्स की रेंज 110 से लेकर 115 तक होती है तो 94 परसेंटाइल। और अगर आपकी मार्क्स की रेंज 90 से 110 तक होती है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो परसेंटाइल आने वाली है वो 93 परसेंटाइल आने वाली है। याद रखना है, इजी शिफ्ट है, ये जो मार्क्स की रेंज है वो 10 टू 15 मार्क्स बढ़ जाएगी, और टफ शिफ्ट है तो 10 टू 15 मार्क्स कम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि कितना सेफ स्कोर होना चाहिए किसी भी एनआईटी में जाने के लिए। अगर आपके मार्क्स मार्च अटेम्प्ट में 135 से लेकर 150 के बीच में आ रहे हैं तो आपको एनआईटी मिल जाएगा भाई, इस बात की गारंटी है। ठीक है, अगर आपके मार्क्स 130 से लेकर 150 के बीच में आ रहे हैं तो आपको एनआईटी, कोई ना कोई एनआईटी मिल जाएगा, इस बात की गारंटी है भाई। ठीक है, तो यहां पर कुछ इस तरह के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतने मार्क्स पर इतना परसेंटाइल आने वाला है। ये मार्च अटेम्प्ट की कहानी है भाई। मैं दोबारा से बता देता हूं, इजी के लिए 10 टू 15 मार्क्स बढ़ जाएंगे, टफ के लिए 10 टू 15 मार्क्स कम हो जाएंगे। तो टफ शिफ्ट कौन-कौन सी है हमारी, 16 मार्च की इवनिंग शिफ्ट और 17 मार्च की इवनिंग शिफ्ट। इजी शिफ्ट कौन-कौन सी हमारी, 16 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट और 18 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट हमारी मॉडरेट, हमारी इजी है। और मॉडरेट जो शिफ्ट है वो है हमारे पास 18 मार्च की इवनिंग शिफ्ट और 17 मार्च की मॉर्निंग शिफ्ट, ये हमारी मॉडरेट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और यहां से आप एक टेंटेटिव आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेड परसेंटाइल आने वाली है मार्च अटेम्प्ट में वो कुछ इस तरह से आने वाली है। ये जो डेटा है वो फरवरी अटेम्प्ट से कंपेयर करके बनाया गया है। ठीक है, मार्च अटेम्प्ट में उन शिफ्ट को कंसीडर किया गया जो इजी है, जो मॉडरेट हैं, जो टफ हैं, उनके बेसिस पर ये डाटा तैयार किया गया है। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई इतने मार्क्स पर इतना परसेंटाइल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये बात हुई मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल की। तो मार्च अटेम्प्ट में आप इतने मार्क्स पर इतने परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये जो आइडिया है आपको थोड़ी सी मदद करेगा कि इतने मार्क्स पर हम इतने परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।